राजस्थान में दलित छात्र की हत्या तथा उत्तर प्रदेश में 18 घंटे मुख्याध्यापक ने छात्र को बंद रखने के विरोध में आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके पुतले के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। आरोपी को फांसी देने की मांग भी इस समय की गई। एक तरफ देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति तथा सभी आम्बेडकर अनुयायियों ने इस अन्याय के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर हत्या में लिप्त आरोपी को फांसी देने की मांग कर 18 घंटे छात्रों को यातना देने वाले मुख्याध्यापक पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग कर SDO गोंदिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। अवसर पर विलास राउत, अमित भालेराव, दिनेश गेड़ाम, सतीश बंसोड़, सुशीला भालेराव, मधु बंसोड़, विनीत सहारे, अनिल सुखदेवे, राहुल वालदे, विजय रगड़े, श्याम चौरे, जितेंद्र सती, सेवक रोहित, वैद्य हंसुवासनी, रामचंद्र पाटिल, सतीश पारधी, दीपक देशभ्रतार, प्रवीण बोरकर आदि सैकड़ों प्रमुखता से उपस्थित थे। VKB न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। मनोवाद की क्या पहचान, देश भरातील दलित हत्यांचा निषेध असो, देश भरातील दलित हत्यांचा निषेध असो, मनोवादी सरकार का। अगस्त को जब देश आजादी के अमृत महोत्सव की वर्षगांठ मना रहा था, ऐसे में दिल्ली से मिलो दूर राजस्थान में जालौर जिले में सुराना में एक घटना घटित हुई। वह इतनी निर्दयी अमानवीय थी कि एक 9 साल के दलित छात्र को खाली इस बात के लिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने एक सवर्ण अध्यापक के पीने के पानी के मटके से पानी ले लिया। इस बात से सवर्ण अध्यापक खफा होकर उस दलित छात्र इंद्र मेघवाल को इतना पीटते हैं कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो जब हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो देश की सारी जनता को इस बात पर बहुत गहन सोचना होगा और ये बड़ा मजबूत प्रश्न हमारे सामने है कि जब 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को उनके जान माल की गारंटी देते हैं, महिला सम्मान की गारंटी देते हैं, और कुछ ही मील दूर राजस्थान में एक दलित छात्र को इस बात के लिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने सवर्ण अध्यापक के मटके से पानी पी लिया। तो ये घोर निंदनीय ही नहीं, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और इस घटना के विरोध में हम लोगों ने यहाँ ये प्रोटेस्ट आयोजित किया है जिससे कि इस देश की प्रदेश की सरकारों को ये चेतावनी दी जा सके कि दलित भी जो है वो इस देश का हिस्सा है, इस देश का अंग है, उनका भी बराबरी का हिस्सा है, उनकी भी बराबरी की भागीदारी है। ऐसे में जब देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो उनको भी ये इंश्योर किया जा सके कि भाई तुम्हारा भी इस देश में बराबरी का हिस्सा है। और ये बात की चेतावनी देने के लिए हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि जिन लोगों ने, जिस अध्यापक ने उस दलित छात्र के साथ अमानवीय हरकत की, उसको दोष उसको जांच करके छानबीन करके मृत्युदंड दिया जाए, फांसी की सजा दी जाए, फांसी से कम की कोई सजा। क्या हुकुमशाहीचा पुरजोर विरोध करण्यासाठी आज ही एवढी जी घटना झालेली आहे, एवढी जी निंदनीय घटना झाली आहे, खेदानं म्हणावं लागते की आपला एकही नेता आज बोलणारा नाही आहे। आणि हा जो एवढा मोठा समाज आहे, ह्या समाजाचा वाली आपल्याला मिळाला नाही असं आपल्याला खेदानं म्हणावं लागते। आणि म्हणून आपली ही जिम्मेदारी बनते की आपण सर्वच चाहे आपण कोणत्याही पक्षाचे असो, हे पक्षाचे झेंडे आपण बाजूला करून आपण एकजूट होऊन सामाजिक एकजुटता दाखवून ह्या अत्याचाराचा, ह्या हत्येचा निषेध केला पाहिजे आणि पुरजोर निषेध केला पाहिजे। असं नाही की बस नॉमिनल मेमोरँडम दिला, याचा पाठपुरावा झाला पाहिजे आणि जोपर्यंत याचा आउटपुट निघत नाही, जोपर्यंत दोषींना सजा मिळत नाही, तोपर्यंत याचा आपण पाठलाग केला पाहिजे। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।